दोस्तों, ये हमारी नदी गगास है और गगास में किस तरह का पानी अभी है आप लोग देख सकते हैं। और ये जब असल बरसात थी उस वक्त इससे ज़्यादा थी, लेकिन जब बरसात ख़त्म होने का मौका आया है तो तब कैसी दिख रही है ये देखिए आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, 7-8 तारीख को रेड अलर्ट था बरसात का और आज है 10 तारीख और आज भी बरसात ज़ोरों पर है। और इस वक्त मैं हूं टिपोला मार्केट में और आप देख सकते हैं कि टिपोला मार्केट के क्या हाल हैं। तो आज आपको दिखाऊंगा कि इस बरसात में टिपोला सिलोर महादेव का हाल कैसा है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपको पहले दिखाता हूं टिपोला के मार्केट इस बरसात में कैसी चल रही है, कैसी दिख रही है, क्योंकि सब तरफ अभी सुनसानी है, मार्केट पूरी बंद है और कोई कोई इक्का दुक्का दुकानें जो है खुली हुई हैं। और मैं आगे आपको लेकर के चलता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेकर के जाऊँगा नदी पर। और बरसात में अभी दुकानें तो खुली नहीं, वैसे सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी कोई कोई दुकान खुली हुई है और ज़्यादातर दुकानें बंद ही हैं। और बारिश का मौसम है और ये अब देखो कोई कोई दुकानें खुली हुई हैं और हमारे पंत जी भी हैं, लेकिन वो भी ऊपर नीचे चल कर तो जो है पंत जी अब ऊपर नीचे चक्कर लगाने में है, क्योंकि कस्टमर कोई है नहीं। और उधर भी एक भाई बैठे हुए हैं, उधर वो अकेले, बस ना कोई ग्राहक है ना कुछ है, बस खाली बैठे हुए हैं लोग बाग। और दुकानें ज़्यादातर आज बंद ही हैं। मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, आज क्योंकि बरसात में अगर ग्राहक नहीं होंगे तो फिर दुकानदार भी क्या करेंगे, तो इतने सारी दुकानें बंद हैं और कुछ कुछ दुकानें खुली हुई हैं और लोग बाग भी बहुत ही कम जा रहे हैं इधर उधर को। हाँ, आज बरसात का तो देखो कुछ दुकानें खुली हुई हैं और पप्पू भाई भी वहाँ पर जो है वो टोपी ओढ़ करके बैठे हुए हैं उधर दूर जो है, क्योंकि ग्राहक है नहीं, कस्टमर कोई नहीं है, तो इसलिए जो है बस गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। अब आगे दिखाते हैं तो, और ये अब इधर मैं आपको दिखाऊंगा। और इधर भी दुकानें हैं हमारी कुछ, ये थोड़ा खुली हुई है ये देखिए। और उधर रणजीत सिंह हैं और श्याम सिंह मेहरा जी हैं, सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का, कब ग्राहक आएंगे। और इधर भी हैं हमारे तिवाड़ी जी बैठे हुए हैं, प्रमोद भाई भी बैठे हैं और अंदर सुंदर भाई अंदर हैं। तो थोड़ा चलिए इन लोगों से अगर बात करते हैं कि अगर कुछ बात करेंगे तो कैसे चलते हैं। हाँ भाई, भाई साहब जी, कैसा लग रहा है भाई? बारिश हो रही है, क्या कहोगे इस बरसात के बारे में आप लोग?
बारिश के बारे में अच्छा लग रहा है और दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है क्योंकि मौसम तो ऐसा हो रहा है। ग्राहक अगर कोई आ नहीं रहे हैं तो क्या कहते हैं भैया, अच्छा है मौसम, अच्छा है लेकिन हाँ लेकिन मार्केट सुनसान है ना। तो दोस्तों और वैसे भी बातचीत करने में अगर कोई पहले से प्लान ना हो तो कुछ लोगों को होती कि क्या बात करें, इसलिए भी थोड़ा दिक्कत होती है। हमारे तिवाड़ी जी हैं, देखो तिवाड़ी जी भी बहुत दूर से जो है ड्यूटी पर आ चुके हैं। तो तिवाड़ी जी ड्यूटी पर जा रहे हो क्या? हाँ ड्यूटी जानी पड़ेगी, रोड बंद है आगे। अच्छा ये गाँव से आ रहा हूँ, फिर जाऊँगा। तो रोड कहाँ पर बंद है? तिपोला से आगे सारा ही बंद है, पूरा बंद है, कल्याणी गया जाली सारा बंद है। अच्छा पूरा रोड ब्लॉक है। हाँ तो दोस्तों रोड ब्लॉक है कह रहे हैं तिवाड़ी जी। और अरे सर ये छाता तो अंदर घुसेगी नहीं, इतनी बड़ी छाता ये। हाँ इसको हम इधर कर देते हैं। तो दोस्तों रोड ब्लॉक है और आगे और दयाल बाबू से भी होगी। और ये हमारे प्रमोद भाई, तो प्रमोद भाई क्या कहेंगे आप? बस चार पाँच दिन आए थे किले तो पानी कभी दूर। अच्छा पानी कमी दूर है जी, लेकिन पर भतेर पर पान है बहुत ज्यादा आनो चून है, वो लेंटर में चून है कि बाप वो परेशानी लेके हजल ज्यादा वो हले हले। हाँ क्योंकि रोड वगैरह तो वो है तो बोले तेल जान लग गई। नमस्कार हो, नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक सब बढ़िया? और चितम सा तुम? अरे हम सब हल चितानु, हम अपने अले बेर लागो चौमान सा चौमान हो पहाड़ मगने। हाँ अले बेर के अब लागो मतलब खत्म होना टाइम पार ने। फिर ये फ्रीज में जो गर्मी हरमी में रहनी है, बारिश नहीं शीर है जो नौ हो मो पान हाड़ फुट जल। हाँ बड़ी है, बहुत बड़ी है। हाँ बड़ी है, लेकिन अब जो नुकसान है वो है ना यार, फेल हम नुकसान को हम उन्हें उठाना पड़ो। हाँ ये फिर हो हाँ देखो रोड रोड बंद है, देखो मैं फंस रही था उन्हें। हाँ अब चार जी डूट में जानती थी वो कहीं जानी है देखो। हाँ वही तो फिर तो बड़ा वो है वो ना, मतलब नुकसान है वो ज्यादा वो है। और बारिश तो खैर जरूरत है ही, फिर गाल को डोल खेल रहे देखो, गाड़ में मार रहे हैं अब तुम। दोस्तों आज मैं तुमको गाड दिखा दूँ उठा पे, यदि भी फड़ में कड़े जूम करना पड़ा, लेकिन पवीली जी मैं हाथ खोले तो उठा जाना पड़ा, इसके भी दिखाना थोड़ा देना है। आई जो होना यार हाँ ये देखो दोस्तों और गाड़ का जो एर है देखो, आए मैं तुमको गाड़ में नजदीक ली दो ना, एर में दूर में दिखा ना करे वो सामने बात फ्लोर महादेव हॉस्पिटल जो और आए आपको वो लीवे जो पार गाड़ को लीवे जा दूँ अल्लाह में, तब तक मेरे को जरा मार्केट का हाल में आप लोगों को दिखा दूँ। तो अब हम रिटर्न आगे ना, तो दोस्तों मैं अबू को लिपे जानू गाड़ पर ना, और इधर लोग बाग भैठ रही देखो कोई ढार निकलने लीजिए तैयार नहीं था, और हम हिटन अब तली गाड़ पर। तो दोस्तों आप लोगों को लेकर के चलता हूं मैं नदी पर, नदी का क्या हाल है वो दिखाऊंगा मैं आपको अभी, क्योंकि रास्ता है नहीं इधर, ये पानी इधर भी है, नाला बह रहा है, इसी से मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे को। रास्ता बहुत ही नाले जो रास्ते हैं दोस्तों, रास्ते में भी पानी बह रहा है और इस तरह का हो गया है रास्ता भी है। रास्ता बहुत ही पानी पानी हो रखा है रास्ते में, और नदी पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, मैं पहुँचने वाला हूँ नदी पर।
क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स बाहर हैं वो देखना चाहते हैं कि हमारे पहाड़ में इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि जबकि हर जगह बारिश बारिश है तो हमारे पहाड़ों में क्या हाल है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको अब मैं यहां से दिखाऊंगा नदी का हाल। ये देखिए, तो मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देखें मेरे पीछे ये नदी बह रही है और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मौसम अभी कैसा है और ये नदी का आप हाल देख सकते हो। और ये मौसम, ये तिकोला है और तिकोला में कैसा मौसम हो रहा है भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों और आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ, लेकिन यहाँ खतरनाक झाड़ भी हो रखी है और ऐसे में नदी का पता भी नहीं चलता है कि आप कब झाड़ से नदी में उतर गए। और ये देखिए नदी का स्तर आप देख सकते हैं और वहां तिकोला की पुल है। और आगे मैं आपको लेकर के चलता हूं अभी और अभी। ये इधर भी जो है पानी हो रखा है खतरनाक, ये भी इतना गहरा है पानी इसमें भी। ये क्योंकि बरसात ऊपर चल रही है अभी भी और पानी नदी का अभी भी बढ़ सकता है। और मैं नदी में चल रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और अब ऊपर से मुझे रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी बड़ा मुश्किल है कह पाना। और इधर जो है और केंचुए दोस्तों इतने आ गए हैं आजकल, ये देखो केंचुए बहुत हैं और इनसे बच करके चलते हैं, कहीं केंचुआ कोई दब जाएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और दोस्तों ये नहर का हिस्सा है और इसमें भी इतना पानी हो गया है क्योंकि नदी और नहर एक हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। देखो कि अभी इधर पता नहीं चल रहा कि कहां पर तो नहर है और कहां पर उसकी दीवार है। तो दोस्तों कैसा मौसम हो रहा है आज 10 अक्टूबर 2022 को हमारे पहाड़ में, हमारे सिलोर महादेव में,
ये मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।